कौन सांप है? यह धामिन सांप है, इसे को कोई घोड़ पछाड़ कहते हैं, कोई इसको ब्रह्मपुत्रा मेल कहता है, कोई राजधानी मेल कहता है, और आदमी को देखकर जो है यह भागता है बहुत स्पीड में। कुछ लोग कहते हैं कि यह दूध पीता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह गाय का दूध पीता है, कुछ लोग कहते हैं कि यह जो महिला बच्चे वाली होती है उनका भी दूध पी लेता है। लेकिन यदि किसी ने देखा है पीते हुए गाय का दूध, किसी महिला को दूध पीते हुए या सांप को दूध पीते हुए किसी ने देखा है? नहीं बाबा, आज तक नहीं देखे। तो पता चलेगा कि किसी ने नहीं देखा। तो जब किसी ने नहीं देखा तो इस अंधविश्वास को नहीं फैलाना है। सांप, कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, न तो ये गाय को परेशान करता है, न तो यह किसी महिला को परेशान करता है। और एक चीज, सांपों के जो स्पेशलिस्ट हैं, एक न्यूज आया है, उनका कहना है कि गर्भवती महिला को सांप नहीं काटता है। यह कहां तक सत्य है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस सांप में बिल्कुल जहर नहीं होता, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारे आपके घरों में जब इस प्रकार का सांप निकल जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, कौन सा सांप है? देखिए ब्लैक रंग का है तो आप सब सोचेंगे कि ये गहुआन है या कोई और सांप है। तो इसमें भी कई तरह का होता है, एक पीला सांप भी होता है, एक लाल हल्का लाल कलर का होता है या ब्लैक कलर का है। और सब कोई भी धामिन हो, किसी भी धामिन में जहर बिल्कुल नहीं होता, इससे घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। दूसरा चीज़ है कि यदि जहरीला सांप काट लेता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, किसी झाड़फूक वाले के यहाँ नहीं जाना है, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। जैसे कि करैत प्रजाति का जो भी सांप है, रसल स्वाइपर जिसे सीटी वाला, और यहाँ जो है कौन, क्या बोलते हैं उसको, तिहरचंद, हमारे मित्र हैं एक धनबाद में, स्नेक रेस्क्यूअर मुबारक जी, तो वो भी तिहरचंद वहाँ बोलते हैं, यानी कि पूरे हमारे झारखंड में हो, बिहार में इसको तिहरचंद भी बोला जाता है। तो जो तिहरचंद सांप होता है, जो तिहरचंद सांप होता है वह बेहद जहरीला होता है, एशिया का सबसे बड़ा खतरनाक सांप जो है रसेल वाइपर है। उस प्रकार का यदि सांप काट लेता है तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, झाड़ फूक वाले के यहाँ नहीं जाना है, झाड़ फूक वाले के यहाँ आप जाते हैं तो आपका जान निश्चित रूप से चला जाएगा। हाँ, इसका जड़ी भले होता है, जड़ी यदि सांप काट ले तो हमारे एग्रीकल्चर में इसकी पढ़ाई होती है, वह सर्पगंधा है, और सर्पगंधा का जड़ यदि सांप काटे हुए व्यक्ति को खिला दिया जाए तो वह निश्चित रूप से ठीक होगा। और भी कुछ दवाइयाँ हैं, लेकिन झाड़ फूक नहीं कराना है। तो आप लोग समझ गए होंगे साथियों? जी बाबा, समझ गए। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी आपको करना है। और सांपों को हमें बचाना है, प्रकृति का जो संतुलन है वह बना रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि ये लोग तो चूहा खाने आते हैं, मेंढक खाने आते हैं, इनका जो मुख्य भोजन है, देखिए मुखिया जी भी हमारे आ गए, आइए आइए। देखिए मैं अभी सांप दिखा रहा हूँ, लेकिन मुखिया जी सांप देख कर आ गए। कहाँ से पकड़े? यहीं पकड़े, बराबर आता था इसके यहाँ। तो इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता आप नहीं है ना, इसमें जा। हाँ हेलो,